कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। आप सब लोग भगवान पर तो विश्वास ज़रूर करते होंगे, लेकिन भगवान के साथ साथ इस दुनिया में शैतान भी हैं। जी हाँ, अच्छी शक्तियों के साथ साथ इस दुनिया में कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इस बिज़ी वाली लाइफ में हम सब इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे दुश्मन हमारे मन को उदास करने के अलावा और कुछ पसंद नहीं करते। वो आपकी तरक्की देखकर जलते हैं और आपको खुश देखना नहीं चाहते। यदि आप एक विश्वास वाले व्यक्ति हैं तो आप मुश्किलों और हमलों का सामना लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे और उन हमलों को रोक नहीं सकते जो आपको दिखाई भी नहीं देते। परमेश्वर ने हमें शैतान की योजनाओं के बारे में जानने और उनसे लड़ना सिखाया है। हम अपने बिजी लाइफ में ये जान नहीं पाते कि असली दुश्मन कौन है। अंधेरे की ताकतें हमें उनके हमले के लिए तैयार होने तक का समय नहीं देती। अंधेरे की शक्ति बहुत ताकतवर और चालाक है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप पर बुरी शक्तियों का हमला हुआ है। आइए जानते हैं ऐसे 5 साइंस जिससे आपको पता चल सकता है कि आप पर बुरी शक्तियों का साया है। अचानक मुसीबतों का आना और नुकसान होना, यह एक क्रूर हमला है जो शैतान अक्सर विश्वासी लोगों के खिलाफ करता है। अचानक मुसीबतों का सैलाब आ जाता है, एक के बाद एक। आपको लगता है आपका जीवन अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, आप कुछ समझ ही नहीं पाते। लेकिन चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर की ताकत के आगे कोई दूसरी बुरी ताकत ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। हमें इस दुनिया में लड़ाइयों और हमलों का सामना करना पड़ सकता है, हमें ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं खोना चाहिए। शारीरिक खतरा, बीमारी या जानलेवा हमला। हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि दुश्मन हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे हमारी आवाज़ों को चुप कराने और ईश्वर के प्रति प्रेम और आशा की ज्योति को बंद करने के लिए हमें इस दुनिया से बाहर निकालने की इच्छा रखता है। हम में से कई लोगों ने मृत्यु के अनुभवों, अचानक और भयानक बीमारी या प्रियजनों जो स्वर्ग के कगार पर थे को महसूस किया होगा, लेकिन भगवान ने हमें लंबे समय तक यहाँ रखने के लिए कोशिश की। पाप या गलत विकल्पों के प्रति मोह और लालसा बढ़ जाना। हालांकि हम अपने चारों ओर दैनिक संघर्षों के साथ रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन पर आध्यात्मिक हमले होते हैं जो हमें भटकाते हैं। यह एक लड़ाई है जिसमें दुश्मन हमें नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको हर समय गलत चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप गलत करके ही खुश रह सकते हैं। हमें ऐसी सिचुएशन में मजबूत रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। बुरी शक्ति को अपने जीवन में पैर जमाने मत दो, उसे 1 इंच की जगह भी मत दो। निराशा, अंधकार और डर को महसूस करना। कई लोग इस जीवन में चिंता और डर से जूझते हैं। कई लोगों को डिप्रेशन या मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अक्सर हमारे जीवन के खिलाफ बुरी ताकतों के हमले सामान्य दिनों के संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप अकेलापन महसूस करते हैं और पूरी तरह से गहरे डर और निराशा में फंस जाते हैं। आपको हर समय डर बैठा रहता है। अंधेरे में अकेले रहना अच्छा लगता है। ये वह जगह है जहाँ शैतान कुछ लोगों को अपने साथ ही ले जाता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा करेगा। यह एक भयानक जाल है जिसमें कोई भी फंस सकता है। अंधेरे को रोशनी ही हरा सकती है। वह हमारे डर को शांत कर सकती है और हमें ताकत देती है इससे लड़ने के लिए। भगवान से मुंह मोड़ना, गिल्ट की भावना और डीप कन्फ्यूजन। यह हमला समय के साथ साथ धीरे धीरे हो सकता है। भगवान की सच्चाई से दूर एक बुरी शक्ति जो हमें भ्रम, चिढ़ और गिल्ट की भावना में धकेल देती है। आपको भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। हर समय चिढ़ और कन्फ्यूजन की भावना रहती है। आप कुछ समझ नहीं पाते आपके साथ क्या हो रहा है। आप इस बुरे जाल में फंसे चले जाते हैं। आपको ईश्वर पर कभी भरोसा नहीं खोना चाहिए। ईश्वर हमारे सारे दुखों को दूर करता है। इस जाल से खुद को बाहर निकालो और ईश्वर की शक्ति को पहचानो। यदि आपको इनमें से कोई साइन महसूस हुआ है तो डरे नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखें। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किसी पवित्र आत्मा का उपहार,
ईश्वर का कवच पहन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और सत्य वचन बोल सकते हैं। ऐसे में आप अपने आप को इन बुरी शक्तियों से बचा सकते हैं। और ऐसी कई अनकही बातें और जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कहीं अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।